भी जिनको शब्द का शास्त्र का आ, माने भाषा का इतना भी नहीं है ना सांस्कृतिक बोध है ना सनातन का बोध है ना भारत की यथार्थता का हिंदू एक संस्कृति है और इस हिंदू संस्कृति का जो भाव है वो हिंदुत्व तो है

धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नामें होता। सिंपल सी लॉजिक है अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व क्या हिंदू हिंदू सांप्रदायिकता नहीं हिंदू तो राष्ट्रीयता का प्रतीक है और भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक हिंदुत्व को बदनाम करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी हिंदू फोबिया आज का हैशटैग है हमारा स्टॉप हिंदू फोबिया अगर आपको भी लगता है कि देश में हिंदू फोबिया फैलाने की कोशिश हो रही है ना तो आप भी ट्वीट कीजिए इस पर हिंदू फोबिया हैश टैग क्योंकि सोचिए ना बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कभी सिखों को मारने का नाम है हिंदुत्व कभी मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व कभी मारने का नाम है हिंदुत्व कभी काटने का नाम है हिंदुत्व कभी आतंक का नाम है हिंदुत्व कभी आई एस आई एस हिंदुत्व कभी बोकोहरम हिंदुत्व कभी आतंकवाद हिंदुत्व और अब यह नया है ये स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है हिंदुत्वादी धर्म की आड़ में लूटता है लूटने का नाम भी हिंदुत्व हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता लेकिन हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है लॉन्चिंग के चक्कर में हिंदुत्व की लिंचिंग लॉन्चिंग के चक्कर में हिंदुत्व की लिंचिंग सवाल ये कि हिंदुत्व की ये सियासी लिंचिंग आखिर कब तक हिंदुत्व को हिंदुत्व को हिंदुत्ववादी को गाली का बहाना चाहिए हिंदुत्व के खिलाफ ये सीरियल साजिश का आखिर मकसद क्या है डराया जा रहा है हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व को गाली बना दिया है हिंदुत्ववादी होना गाली हो गया आज की तारीख में बार बार यह कहा जा रहा है मारने का नाम हिंदुत्व काटने का नाम हिंदुत्व सिखों को मारने का नाम मुसलमानों को मारने का नाम आतंक का नाम आई का नाम बोकोहरम का नाम लूटने का नाम हिंदुत्व हिंदू फोबिया फैलाने का प्लान है क्या प्लान हिंदू फोबिया स्टॉप हिंदू फोबिया आज का हमारा हैशटैग है जरूर टूट करिएगा इस रेस में सबसे आगे वो हैं जो आप तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस ने पहले हिंदू आतंकवाद की थ्योरी दी और फिर राहुल गांधी ने खुद कहा कि हिंदू आतंकवाद लश्कर से ज्यादा खतरनाक और अब हिंदुत्व के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस सीरियल अटैक में लग गए लगातार हो रहा है आज इसलिए डिबेट करनी पड़ी इस मुद्दे पर क्योंकि थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि लूटने का नाम हिंदुत्व हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है यह ट्वीट किया गया राहुल गांधी की तरफ से हिंदुत्व क्या है मैं आपको स्वामी विवेकानंद के शब्दों में बताता हूं स्वामी विवेकानंद ने कहा था हिंदू धर्म का पालन ही हिंदुत्व है स्वामी विवेकानंद ने तो क्या हिंदुत्व को नीचा दिखाने और हिंदुत्व को गाली देने हिंदुत्व की सियासी लिंचिंग की कोशिश के पीछे अल्प ज्ञान है आप इसको कह सकते हैं कि अल्प ज्ञान हो सकता है पता ना हो या देश में हिंदू फोबिया फैलाने का एक, एक सोचा समझा प्लान है ये रणनीति है हिंदू फोबिया मतलब इतना डरा दो हिंदुत्व ये हिंदुत्व वो हिंदुत्व मारता हिंदुत्व काटता है हिंदू फोबिया फैलाने का ये प्लान है मेरे साथ प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मेरे साथ तहसीन पूना वाला है तहसीन आपका स्वागत प्रेम भाई आपका स्वागत तस्लीम अहमद रहमानी हैं तस्लीम भाई आपका स्वागत और मेरे साथ जितेंद्र नारायण त्यागी हैं त्यागी जी आदत होगी ये नाम सुनने की जी बिल्कुल अच्छा हाँ क्योंकि वसीम रिजवी पहले और अब जितेंद्र नारायण त्यागी हैं त्यागी जी क्यों आप हिंदू धर्म में आगे वो दे वो कह रहे हैं हिंदुत्व मारता है हिंदुत्व काटता है सिखों को मारने का नाम हिंदुत्व हिंदुत्व लूटता है हिंदुत्व ये हिंदुत्व वो आप फिर भी हिंदू धर्म में आ गए देखिए राहुल गांधी जी जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं हमने इससे पहले भी ये कहा था कि राहुल गांधी जी को सबसे पहले खुद हिंदू होना पड़ेगा और हिंदू होने के बाद उनको हिंदुओं की चिंता करने की जरूरत है क्योंकि वो एक मुस्लिम राजनीत करते हैं और कई बार ये बात को कह चुके हैं कि उनकी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है तो जब मुसलमानों की तरफ से हिंदुत्व के ऊपर हमला हो रहा है सनातन धर्म पर हमला हो रहा है उसी तरह से राहुल गांधी अपने शब्दों में हमला कर रहे हैं तो हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश अगर के आईएसआईएस कर रही है हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश असदुद्दीन ओएसी कर रहा है तो वही राहुल गांधी कर रहे हैं मेरे को बताइए आपने क्या देखा जो हिंदू धर्म में क्योंकि आज ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देखिए वो तो कह रहे हैं हिंदू फोबिया मतलब हिंदुत्व हिंदु लूटता है हिंदुत्वा मारता है हिंदुत्व काटता है हिंदुत्व ये हिंदुत्व वो आप हिंदू बन गए भाई मैंने तो जो देखा मैं तो वहां से आया जहां काटा क्या जा रहा था क्या है जहां मारा जा रहा था जहां काटा जा रहा था मैं तो उसको छोड़ के आया हूँ और पूरी दुनिया देख रही है कि मुसलमानों में किस तरह से एक आतंक का चेहरा पूरी दुनिया में बना हुआ है अगर के मैंने तो सीधी सी बात यही कि मुसलमान एक धर्म नहीं है वो एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में आतंक की तरह फैली हुई है हमको लगा कि हमको एक धर्म स्वीकार करना चाहिए तो सनातन से अच्छा तो कोई धर्म मुझे लगा ही नहीं वो कह रहे हिंदुत्व मारता है, तो है। वो इसीलिए हमने कहा कि राहुल गांधी जी को हिंदू होना चाहिए जब हिंदू होंगे तब हिंदुओं को समझेंगे ना अरे पहले सनातन में आओ तो हिंदू धर्म के लोगों को गले लगाओ तो मुसलमानों को गले लगाए लाओगे तो तुमको तो हिंदू फोबिया दिखाई देगा स्क्रीन पर ना ट्वीट हिंदुत्ववादी धर्म की आर में लूटता है तो लूटता है लुटेरा हिंदुत्ववादी तो अरे ये नहीं कहेंगे तो मुसलमान उनसे कैसे जुड़ा रहेगा वो अपने को कैसे कह पाएंगे कि वो मुसलमानों अच्छा खुश हो जाता है। वोट पीस हो जाता जाता है है वोट जाहिर सी बात है आप हिंदू को गाली दो मुसलमान बिल्कुल खुश होता है ये ये कहीं नहीं होता ये क्या बात हुई अमन जी मुसलमान ये क्या बात हुई मुसलमान वोट ही डालता है हिंदुत्व के खिलाफ वो इसलिए गाली देते हैं हिंदुत्व के खिलाफ वोट डालता मैं एक बहुत बड़ी असलियत आपको सामने पेश कर रहा हूं बंगाल में ममता है बिहार में लालू हैं, उत्तर प्रदेश में मुलायम हैं, इस तरह से मुसलमान एक सियासी पार्टी का वोट बैंक नहीं है मुसलमान उसको वोट देता है जिसको लगता है कि वो हिंदुत्व के चेहरे को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे हिंदुत्व का चेहरा मान लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी को जो भी कैंडिडेट लड़ा रहा होता है हर रहा हरा की कोशिश कर रहा होता है ताकत में होता है तो मुस्लिम यूनाइट होके उसके खिलाफ चला जाता है और राहुल गांधी की पार्टी भी यही करती है जहां जहां सीट पर उनको लगता है कि वो नहीं जीत पा रहे वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सपोर्ट कर देते हैं आप कह रहे हैं कि वोट बैंक की ताली के लिए हिंदुत्व को गाली जाहिर सी बात है हिंदू को गाली नहीं दोगे तो मुसलमान खुश क्यों तो वो तो वैष्णो देवी भी जाते हैं प्रियंका वाड्रा दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करती है वो चुननी वो सारी चीजें फिर वो तिलक भी बड़ा बड़ा भाई जैसे ये... आपने तिलक लगाया हुआ है वो सब फिर वो क्या मेरा है मेरा तिलक धार्मिक है उनका तिलक सियासी है वो तिलक जो लगा है वो सियासी तिलक है उनको मुसलमान अगर के देखिए राहुल गांधी जी राहुल गांधी मां क्रिश्चन बाप कहा जाता है हिंदू तो अब राहुल गांधी जी अपने को हिंदू दिखाने की कोशिश करते जब इलेक्शन आता है मंदिरों मंदिरों जाते और उसके बाद हिंदू को अगर गाली नहीं देंगे तो मुसलमान कुछ हो गए वोट क्यों देगा वोट भी तो चाहिए ना तहसीन शायद अच्छा समझा पाएंगे मुझे तो ये नहीं भरोसा होगा कि भाई आप एक को गाली देंगे तो दूसरा खुश होगा कोई कुछ नहीं होगा मुसलमान का वोट, वोट मुसलमान का वोट इसी तरह अमन जी नहीं, नहीं, नहीं ऐसा है। नहीं होगा अगर आप हिंदू को गलत कहोगे कहोगे अच्छा, गलत तो वोट मुसलमानों का मिलेगा ये मुसलमान ये रहमानी जी बोलना चाह रहे क्योंकि ये मेरे को भी नहीं मतलब डाइजेस्ट हो रहा है कि यहाँ वोट बैंक का हो जाता है गाली देने से वहां ये तो ऐसा तो नहीं होता ना तस्लीम अहमद रहमानी रहमानी जी फिर मैं तहसीन हाँ देखिए, देखिए मैं मैं अमन भाई मैं एक बात बहुत ही शालीनता के साथ बहुत ही अदब के साथ आपसे कहना चाहता हूँ जो प्रेम भाई है ना प्रेम शुक्ला जी हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये इन, ये मुझे अजीज है इनसे मुझे प्रेम है मुझे अमन चोपड़ा से भी प्रेम है लेकिन मैं ये जो मृतिद मलाउन चोर और रेपिस्ट यहाँ बैठा हुआ है जो अपने आप को त्यागी कहता है ये मक्कार और झूठा इंसान इसके साथ को मेरी है। क्या आप ये चाहेंगे मैं मैं अपनी भाषा को सुनिए ये इससे ज्यादा खराब भाषा का हकदार है अब आप बताइए का हकदार है मैं कभी भी आप बताओ आप सनातन धर्म को कैसे मानते तो हो आप झूठ बोल रहे हो क्या आप अमन चोपड़ा से मोहब्बत करते हो आप प्रेम शुक्ला से मोहब्बत करते हो दिल के अंदर की ना आप हिंदुओं से नफरत करते हो आप कहो ना हम अगर, अगर मुसलमानों को माँ और बाघ देखना चाहते जो चौदह सौ माँ की सूरत देखना नहीं चाहते बूढ़ी माँ इसकी सूरत देखना नहीं चाहती इसकी बीवी इसके मुंह पे अमन चौपड़ा आपके करीब है इसके मुंह पे थूक चुके अमन चौपड़ चौपड़ा आपके करीब है प्रेम शुक्ला आपके करीब है नाते जितेन्द्र बात आ रही है वो हिंदुओं का क्या होगा और वो भारत का क्या होगा इसलिए मैं इसके साथ बैठना नहीं चाहता असलियत खोल दी ना इसीलिए तो आप इनसे नफरत करते हो।, हो मैंने किया, किया आप, आप, आप पहत 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 क्या आप आप है ना तहकीक है और ये हिंदुत्व है, है। ये हिंदू नहीं है ये हिंदुत्व है क्या हिंदुत्व है हिंदुत्व है वो प्रण लेता है पहले आप समझिए तो हिंदू तो हिंदुत्व में क्या फर्क है रहमानी जी को बोलने दीजिए का खून बहाने से नहीं रुकेंगे ये वो हिंदुत्व है ये उस हिंदुत्व से तालु मुसलमानों को खूब मुसलमानों का, और ये का है नाम हिंदुत्व राष्ट्र बनाने के लिए खून के दरिया ऐसी एक 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 अभी, अभी जो आपने बोला तस्लीम अहमद रमानी तस्लीम अहमद रहानी अभी आपने बोला मुसलमानों का खून बहाने का नाम हिंदुत्व मुसलमानों का खून बहाने का नाम हिंदुत्व ये बोला ना अभी आपने ये बोला ना अभी आपने मुझसे इसका इंटरेक्शन ना दीज़े मैं आपसे बात कर रहा हूँ सवाल का जवाब बोला मुसलमानों का खून बहाने का नाम है हिंदुत्व लेकिन आइंदा में इसके साथ मुझे आपसे सवाल ले रहा हूँ एक मिनट तस्लीम अहमद रहमानी शब्द वापिस लीजिएगा आपने बोला मुसलमानों को खून बहाने का नाम हिंदुत्व ये बोला आपने नहीं ये कहा था आनंद मठ पढ़िए आनंद मठ लिखा अगर मैं ये कहूँ हिंदुओं का खून बहाने का, का नाम है तो इस्लाम या इस्लामवादी या इस्लामिक ये ये लिखा लिखा है है आप पढ़िए आनंद मठ में खून बहाने का नाम हिंदुत्व में कहूँ खून बहाने का नाम हिंदुओं के खून बहाने का नाम इस्लामिक या हिंदुओं के खून बहाने का नाम इस्लामी इस्लामवादी बिल्कुल नहीं है फिर हिंदुत्व क्यों है आप इसे फिर हिंदुत्व क्यों है मैं जो कह तो तो दे दे तो रहा तो। हूं तो रेफरेंस देता दे हूं मैं, मैं देता हूं आपको रेफरेंस चाहिए ना मैं देता हूं आपको कश्मीर में देता हूं कश्मीर मैं देता हूं कश्मीर में धर्म पूछ पूछ कर मारा गया हिंदू होने की वजह से मारा गया या नहीं मारा गया नहीं मारा गया नहीं मारा गया सुपिंदर कौर करता भी नहीं गया। अरे। में आर्मी के लोगों को भेज के पोषणपुरा में मुसलमान औरतों का को क्यों मारा गया फाइल को दबाया तिवारी को क्यों मारा गया कमलेश तिवारी को किसने मारा किसने मारा किसने मारा इस्लामिक आतंकवाद ने मारा अरे इस देश में इस देश में दस हजार लोग रोजाना मारे जाते अहमद रहमानी किसी, रह किसी कारण से। बहुत आसान है हिंदुत्व को गाली देना इस्लाम के नाम नहीं यही अगर अपोजिट होगा ना रिएक्शन तो आपको बुरा लगेगा आप कहते हैं कि शब्दों का चयन ठीक हो आप हमेशा कहते हैं बुरा हो रहा है भाई हो रहा है कोई इस्लामिक आतंकवाद नहीं कहता सात साल कोई इस्लामिक आतंकवाद नहीं कहता लेकिन आप हिंदुत्व आतंकवाद कहते हैं हम लोग लेकिन देखिए मुसलमानों क्या हैं हैं को अब से अभी तरह आपको आप हिंदुओं आम करने से कोई रोक ही नहीं सकता एक चीज जाननी है एक रोक ही नहीं सकता मेरे को एक तस्लीम रहमानी तुम्हारी किताब में लिखा है कि हिंदुओं का कत्ल कर दो क्या बात करते हो तुम मेरे को एक किताब में नहीं लिखा है

से अच्छा को बदनाम कर ये, रहे हैं ये, ये, ये अच्छा ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट तस्लीम अहमद रमानी तस्लीम अहमद रमानी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ अभी आपने बोला मुसलमानों का खून बहाने का नाम हिंदुत्वा जैसे हिंदू हिंदुत्व इस्लाम इस्लामिक ये ये तो नहीं नहीं नहीं। एक मिनट मेरे को पूरा सवाल पूछने दीजिए मैं आपसे सवाल पूछ तस्लीम अहमद रहमानी शख्स को तस्लीम अहमद रहमानी जैसे पूछ लू एक मिनट त्यागी जी मैं सवाल पूछ लू मुझे पूछने देंगे त्यागी जी सवाल पूछिए तस्लीम अहमद रहमानी इस्लामिक आतंकवाद कहना गलत आतंकवाद को धर्म से जोड़ना गलत मैं आपके साथ हिंदू हिंदुत्व इस्लाम इस्लामिक हिंदुत्व आतंकवाद इस्लामिक आतंकवाद कहना सही होगा जैसे आपने कहा मुसलमानों का, का खून बहाने का नाम हिंदुत्व मैं कहूं हिंदुत्व हिंदुओं का खून बहाने का नाम इस्लामवाद या इस्लामवादी या इस्लामिक आपको स्वीकार होगा देखिए मैंने एक चीज को हमेशा मेंटेन किया है हमेशा मेंटेन किया है मैं मुनाफिक नहीं हूं झूठ नहीं बोलता मैंने कहा कि धर्म आतंकवाद का धर्म से बिल्कुल सीधा ताल्लुक है मैं उन मुनाफिकों में से नहीं हूं जो ये कहते हैं कि धर्म का आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं है मैंने कहा कि मुस्लिम आतंकवाद इस दुनिया में मौजूद है इससे इंकार नहीं किया जा सकता ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है कि आप जब तक तस्लीम नहीं करेंगे तब तक आप इंसाफ नहीं कर सकेंगे मुस्लिम आतंकवाद मौजूद है, है। ऐसे आतंकवाद मौजूद है ईसाई और यहूदी आतंकवाद मौजूद है बुद्धिस्ट आतंकवाद मौजूद है इसी तरीके से हिंदुत्व के नाम हिंदू आतंकवाद भी मौजूद अगर हिंदू आतंकवाद होता तो फिर से मैं बोलूंगा प्रभु मेरी बात सुनिए तस्लीम अहमद रहमानी अब मेरी बात सुनिए मैं बोलने जा रहा हूँ सुनिए स्वामी अहमद रहमानीमेंट अहमद रहमानी तस्लीम अहमद रहमानी तस्लीम अहमद रहमानी अगर हिंदू आतंकवाद होता अगर हिंदू आतंकवाद होता तो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं होता अगर हिंदू आतंकवाद होता तो प्रभुराम के मंदिर के लिए चार सौ सत्तानवे साल का इंतजार नहीं करता अगर हिंदू आतंकवाद होता तो कमलेश तिवारी नहीं होता अगर हिंदू आतंकवाद होता तो काशी भी आजाद होता मथुरा भी आजाद होता और अगर हिंदू आतंकवाद होता, तो हिंदू गाली और आतंकवाद सुनता नहीं सर इसलिए हिंदू आतंकवाद नहीं है एग्जिस्ट ही नहीं करता इंदू, है हिंदुत्व है। है। एक, है एक करोड़ भी नहीं अच्छा हिंदुत्व इस्लामिक है ठीक है बात खत्म हिंदुओं को आतंकवाद मैं बोलता हूं इस्लामिक आतंकवाद बराबर हो गया बात बोला आपने मुस्लिम आतंकवाद है मुस्लिम आतंकवाद कोई नहीं हिंदुत्व आतंकवाद आतंकवाद कोई नहीं मुझे लेकिन इस्लामिक आतंकवाद बोलेंगे तो हिंदुत्व आतंकवाद पर मुझे ऐतराज है हिंदुत्व आतंकवाद पर मुझे ऐतराज है मत बोलिए हिंदुत्व क्या है पढ़ना पड़ेगा स्वामी विवेकानंद को पढ़ना पड़ेगा ठीक है उसी पर पे तो बहस परेश है मत बोलिए देश में बहस बोलिए हो रही है तो वो बहस में आपका एक तर्क होगा मेरा एक तर्क होगा कोई तर्क नहीं एक ही तर्क है हिंदू तो आतंकवाद है 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 नहीं कल्पना ही नहीं दूर दूर तक तो नहीं कर रहे हैं हिंदू आतंकी होता ना तो पांच सो साल राम मंदिर का इंतजार नहीं करता सर हिंदू आतंकी होता ना तो आज भी वहां पर ज्ञान व्यापी वो मस्जिद काशी मथुरा क्लियर कर रहे हैं हिंदू आतंकी नहीं हिंदु है तो आतंकवाद नहीं है नहीं है आतंकी तहसीन पुनावाला उससे पहले प्रेम शुक्ला लेकिन पहले तहसीन पुनावाला तहसीन जी बहाना चाहिए बार बार क्या जरूरत है हिंदुत्व को बार बार नीचा दिखाने से क्या होता क्या है

संग आतंकवाद है मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ संघ आतंकवाद है था और इसको हमें इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा संघ आतंकवाद वो है जो आर के सिंह ने कहा ऑन रिकॉर्ड बयान है आज भी मिनिस्टर रिकॉर्ड बयान को उन्होंने वापस नहीं लिया कि आतंकवाद अभी भी मौजूद है तस्लीम रहमानी भाई ने प्रज्ञा ठाकुर का जिक्र किया हिंदू फोबिया प्लान हिंदू फोबिया फैलाने का है <laughs> डरो हिंदुत्व से डरो हिंदुओं से डरो इससे पहले कि मैं आपके पास इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, मैं आपके सुधी दर्शकों को कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। बहुत ज़बरदस्त आंकड़े हैं आप आंखें खोल जाएंगी इन सारे जिहादियों की आप देखिए कि 27 नवंबर 2020 को ये पूजनी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये लफ्जियात धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाए थे आप देखिए अब तक जो है एक वर्ष में 135 केस दर्ज हुए इसमें से 333 जिहादियों की नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है जी 410 लोग जो है अभी तक गिरफ्तार हुए हैं और आप देखिए इसमें आप इसमें से सॉरी 225 लोग गिरफ्तार हुए हैं कुल मिला के चार लोगों पर आरोप है और इसके अलावा आप देखिए कि 85 पर आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं तेरह लोगों की अंतिम रिपोर्ट भी पेश हो चुकी है और मजे की बात यह अमन जी कि आप देखिए 164 के बयान 82 केसेस हो चुके हैं और 35 केसेस में बेटियां 14 वर्ष से कम आयु की हैं पर ये 18 वर्ष से कम आयु की हैं नाबालेक आप देखिए जिहाद की जो है पराकाष्ठा है ये कानपुर की घटना एक शुरुआत है एक मैं कहता हूं शुभ शुरुआत है हालांकि घटना दुखद है और जिहादी को फांसी पर चाहिए था बजाय 10 साल की कैद रहने के

ये हिंदू फोबिया फैलाने वालों ये जबरदस्ती जो है अब नहीं चलेगी बहुत हो गया मुगलों का काल चला गया अंग्रेजों का काल चला गया जिस प्रकार से आप लोगों तो ने हमारे दलित भाई बहनों को जो है। संग आतंकवाद है। हिंदुत्व मारता है हिंदुत्वा लूटता है तैसी नारा हिंदुत्व काटता है इस पर बात करिए लफ्जियात पर खामोशी है खामोश और हिंदुत्व पर आक्रोश वो अपनी जगह बोलिए विनोद उसके बाद तहसीन और त्यागी जी आ रहा हूँ इनको, इनको इनकी चिड़ संघ से हिंदुत्व से हिंदू से क्यों है क्योंकि आज जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो संघ का ही संयोग है सारे सारे इनका बस चले तो उनको दो मिनट में उतार फेंके ये इनको पता होना चाहिए इनको पता है कि संघ का अनेक वर्षों तक दशकों तक तो अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्णिम युग रहेगा यह हिंदू नहीं है हिंदुओं ने कि किसी, है? कोई है ने ने किसी को नहीं डराया डरता है ना हिंदुओं ने डराया हिंदुत्व के जरिए हिंदुओं को इसलिए तो अरे हिंदू राष्ट्र है स्वागत करना चाहिए रमानी जी नहीं नहीं जी आपको हिंदू राष्ट्र का स्वागत करना चाहिए मतलब बताइए कि आठ सौ साल के बाद हिंदुत्व की सरकार आई है आप क्या मतलब है इस जुमले का जो बिल्कुल आई है अशोक सिंह जुमले का क्या मतलब है बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है, दो दो है, है दो दो भारत हिंदू राष्ट्र है भारत भारत हिंदू राष्ट्र था, की सरकार आपको भी होना चाहिए इसका क्या मतलब होता है अरे चाहिए नदियाँ बहाने के लिए इस्लामी काफी है नदियां बहाने गए एक करोड़ जगहों पर त्रिचूल बांटेंगे अलग डिबेट है बड़ी बहस है अपने आप में अलावा की हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही अल्पसंख्यकों की और सेकुलरिज्म की गारंटी है इसमें भाई हिंदू राष्ट्र अगर आप कह रहे तो हैं ये अलग डिबेट है हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही सेकुलरिज्म की गारंटी है ये तो हिंदू राष्ट्र तो अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्णिम युग जैसा होगा सा ब्रेक ले रहा हूँ छोटा सा ब्रेक उसके बाद में आऊंगा छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ स्टॉप हिंदूफोबिया लगातार हिंदुत्व के खिलाफ सीरियल साजिश और अब का गया कि लूटता है हिंदुत्व मैं ट्वीट पिछले के भी पढ़ रहा था कि हिंदुत्व हिंसक नफरत फैलाता है हिंदुत्व लगातार बैक टू बैक हिंदुत्व जो है हिंदुत्ववादी मानते हैं कि सब भारतीयों का डीएनए समान है ये जो बैक प्रेम शुक्ला चुनाव की वजह से यूपी चुनाव इस वजह से मतलब इससे फायदा मिल जाएगा उनके मन में नहीं उनके मन में हिंदू द्रोह बहुत गहरे बैठा हुआ है चुनाव उसका एक तात्कालिक कारण है देखिए इस नाव? देश का संकट ऐसा है कांग्रेस की दृष्टि में कांग्रेस की दृष्टि में इस्लामी प्रतीकों का अपमान करना ईशनिंदा है सिखों सिख धर्म के प्रतीकों का अपमान करना बेअदबी है हिंदू प्रतीकों का अपमान करना कॉमेडी है तो ये तो अजीबो गरीब जो है तरह से जी रहे हैं और इनको हिंदुओं के प्रति इतना भयंकर द्रोह भाव इनके अंदर है कि उस द्रोह भाव का प्राकट्य करते हुए ये सतत हिंदू हिंदुत्व हिंदुत्ववाद इस पर प्रहार करने में ही स्वयं को धन्य पाते हैं देखिए राहुल गांधी कल तक कह रहे थे कि लश्कर तोयबा से अधिक खतरनाक हिंदू समूह है अब स्वयं को हिंदू कहलाने में उनको गौरव की प्रतीत हो रही है 2024 में जब ये और बुरी तरह हार जाएंगे इनके पास जब और कोई राज्य नहीं बचेंगे तो ये कहेंगे नहीं हिंदुत्ववाद ही बहुत श्रेष्ठ है समय का सिर्फ फेर है जिस तरह से कांग्रेस ने सतत हिंदुओं का द्रोह करके हिंदुओं को कलंकित करने के कुत्सित प्रयासों के कारण कांग्रेस आज प्राय है उसका परिणाम उनको कॉल ब्राह्मण होगा दत्तात्रेय गोत्र होगा तो वो तो बात जो कॉल ब्राह्मण होगा दत्तात्रेय गोत्र होगा शिव भक्त होगा कश्मीरी पंडित होगा वो ये सब थोड़ी ना कहेगा फिर देखिए लेकिन आज तक हमारे हमारे जो सनातन की जो व्यवस्था है और जितनी हमारे यहाँ संहिताएं हैं उन संहिताओं में गोत्र का निर्धारण पिता के पंथ से होता है पिता के वंश से होता है तो फिरोज जो है वो दत्तात्रेय गोत्र के थे ये कहना है अगर फिरोज उनके पिता श्रीमती इंदिरा गांधी के स्वर्गीय पति क्या वो दत्तात्रेय गोत्र के थे

फिर ये कैसे दोनों चीजें जो मैं बात करूंगा बिल्कुल आंकड़ों पे बात करूंगा संक्षेप में बात करूंगा सबसे पहले भाजपा ये बताने की कोशिश करती है इस मुल्क को कि जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन है उनका वोट वो उनको मिलता है ये हिंदुओं की प्रतिनिधि इस बात से कोई

ठगने का और मारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया ये वो पार्टी है अमन भाई आपका खून खोलेगा जब पार्लियामेंट के अंदर नरेश अग्रवाल बेशरम की तरफ आई रिक्वेस्ट आई रिक्वेस्ट ऐसे नहीं ऐसे नहीं ये अमन भाई, भाई का डिबेट है ऐसे नहीं मैंने आपके बीच में नहीं बोला शुक्ला साहब शुक्ला साहब राजीव गांधी ने जिनकी हत्याएं करवाई वो अभी निश्चित तौर पर

बोलिए बोलिए आप बोलिए त्यागी जी पहले आप, आप अभी अभी हिंदू बने त्यागी जी। इरको, मैं बहुत पहले, पहले जी। नहीं है। जितेंद्र मैं बहुत दिन से आपकी बातें सुनता चला रहा हूँ बोलना चाहता हूँ प्लीज मुझे मौका दे दीजिए

आप आप त्यागी त्यागी जी बोलिए ये पर्सनल नहीं होना देखिए देखिये जैसे तहसीन जी ने कुछ सवाल उठाए आरएसएस के ऊपर विश्व हिंदू परिषद के ऊपर हम सीधी सी बात इन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आपने एक आरएसएस को विश्व हिंदू परिषद को या हिंदूवादी तमाम संगठनों को आपने इस तरह से प्रमोट मुसलमानों के बीच में किया है कि ये आतंकी संगठन है जबकि इनका काम हिंदुत्व को संभालना या हिंदुओं को समाज देना हिंदुओं को शिक्षा देना हिंदुओं का विकास करना इनका काम यह है और यह दुनिया देख रही है कि आज आरएसएस का प्रधानमंत्री भी है देखिए आपने आपने संगठन बनाए आपने आईएसआईएस बनाया आपने लश्कर तैयबा बनाया आप मुसलमानों ने इस्लाम के मानने वालों ने आई एस आई आई एस बनाया अगर हिंदू तहसीन आपकी बात नहीं हिंदू 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 संगठनों ने या हिंदूवादी लोगों ने अगर आरएसएस बनाया और हिंदुओं का सपोर्ट किया तो इसमें दिक्कत इनको क्या लेकिन सुनिए बहुत बड़ा एक एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है हाँ। कि हिंदुस्तान में जहां 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है, गलत है।, करना है। पहले रहमानी जी आप बोलिए फिर विनोद बंसल कॉन्क्लूडिंग कमेंट आप करेगा तस्लीमहमदमानी एक मुझे दस सेकंड में सिर्फ इतना पूछना है कि ये नीतीश कुमार यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बिहार के बंगाल की ममता बनर्जी नवीन पटनायक एम के स्टालिन चंद्र बाबू नायडू ये, ये सारे लोग ये इनसे इनमें से किसी ने आज तक एक्सेप्ट किया है कि वो हिंदुत्ववादी हैं, वो सब हिंदू हिंदू हैं, खुद को हिंदू कहते और हिंदुत्ववाद से अलग रखते हैं मैं तो अमन इस्लाम और इस्लामिक अलग है इनमें से किसी एक चीफ मिनिस्टर से आप इस्लाम और इस्लामिक अलग हिंदुत्ववादी है तो फिर ये डिबेट खत्म हो जाएगी चलिए इस्लाम और इस्लामिक अलग है इस्लाम और इस्लामिक तो आज़ी अलग आज़ी है क्या अमन जी आर एस एस चलिए विनोद बंसल विनोद बंसल विनोद बंसल पोलिटिकल आइडियोलॉजी ठीक है अमन जी है अमन जी मैं ये कह रहा हूँ की आजकल आजकल जो समझिए नवोदित चुनावी हिंदू क्रॉपअप हो गए अमन जी बोली, जी बोली, बोली, ये बोली अभी जो है ना आजकल नवोदित चुनावी हिंदू क्रिएट हो गए हैं हाँ। और और जो है ना अपने आप को सभी कहते हैं कि मैं हिंदू हूं मेरा गोत्र ये है मेरा ऐसे है और मैं मैं फलानी गोत्र का रहने वाला हूं ये आखिरकार कौन कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं किसी ने पूछा क्या उनसे क्यों क्यों विनोद जी शुक्रिया स्वागत की एक बात किशोर राजी के साथ नमस्ते मैं हूं किशोर अजवाणी घड़ी इशारा कर रही है नौ बजे रात का